हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ये होममेड बिरयानी मसाला रेसिपी। तो चलो इसकी इंग्रेडिएंट को देखते हैं। 3 बड़े चम्मच हमने धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, और ये हमने 2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है, और ये शाहजीरा 1 चम्मच लिया है, कुछ तेज पत्ते, और ये 5 से 6 हमने सिनेमन लिया है, दालचीनी, और ये जायफल है, और ये जावित्री है 5 से 6, और ये स्टार ले लेंगे हम 4 से 5, और ये 6 से 7 बड़ी इलायची, और ये 20 से 30 लौंग है, और ये कम से 8 से 10 इलायची है। ये सारे मसाले को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर देंगे। सॉरी दोस्तों, मेरी बच्ची थोड़ी मस्ती कर रही है पीछे। ये देखिए, कढ़ाई को हल्का हमने गर्म कर दिया है। इन्हें हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर देंगे 1 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा नहीं जलाना, हल्का से भुनना है ताकि इसकी नमी सारी दूर हो जाए। ये देखिए, पलट पलट करके सभी को अच्छी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे 1 मिक्सी के बर्तन में डाल देंगे। और ये स्पेशल है, 1/2 चम्मच हमने हींग डाला है। हींग से ये कम से कम 3-4 महीने तक अच्छी से रहेगा, आप अच्छे से इसको स्टोर करके रखें तो। ये देखिए, 1.5 चम्मच हमें हल्दी पाउडर लगेगा, और 1.5 चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये कंप्लीट इंग्रेडिएंट के साथ बिरयानी मसाला है। आप चाहे तो इसे दूसरी और सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये खास बिरयानी के लिए है, होममेड मसाला। देखा, इसे हमने अभी पीस लिया है, और इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। सो आपकी बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। इस रेसिपी को नोट करो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल बटन दबाना ना भूलना। चलती हूँ, बाय बाय।